सुने आजा जाती वारी मां दे सीने लग जाओ तेनू हलीमा भी लोरियां दितियां तेनू शीमा भी लोरियां दितियां आजा जाती वारी मां को लोरी लै ले नबी करीम मां दी गोदी विच लैट गए आखरी वेला आया आखरी हिचकियां आईया सैयद आया मीना सीने ला के रोई जा रही रिजवी साहब कदे मत्था चुमदिया ने कदे लब चुमदिया ने कदे रुखसार चुमदिया ने आखरी हिचकी आई नबी दी मां ने सुनन चुके उमे अमन दी गोद च रखे फरमान लगिया ने उमे अमन मैं टुर चली एदा बाप भी कोई नहीं अज मां भी टुर चली जिन्हां दियां मावां बचपन च छड़ जांदियां ने औलादा नुकरा च बह के रोंदियां पुत्र दीवारा ना लग के रोंदे ने ओ मैं मन मैं टुर चली जेड़ा मेरा मोहम्मद दीवारा ना लग के रोया मेरी कब्र जरूर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तकीन صلاه والسلام على قائد الغر المحجلين واله الطيبين الطاهرين واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم دے بعد واجب القدر واجب الاحترام حضرت محترم علماء کرام خصوصا فاضل محتشم زینۃ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد قمر سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حضرت محترم دیگر علماء کرام نعت خوانان نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی دی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اج دا پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ عظیم شان محفل میلاد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ دی سگاؤں چک نمبر 146 ریبے کھیوا تحصیل چک جھمرا دے در انعقاد پذیر ہے میں شکر گزار ہاں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا
और मेहमान ने गिरामी जनाबी चौधरी जाहिद अली भट्टी साहिब चेयरमैन वापडा, शाहिद अली बाजवा साहिब, बदर हुसैन भट्टी, मोहम्मद अहमद भट्टी, वसीम भट्टी साहिब और तमाम अहलिया ने दे 146 रेबे खीवा जिन्होंने बड़ी तुझको इहतिशाम नाल इस महफिल मुबारक दा इहतमामो इंसिराम फरमाया। दुआ है कि रब तआला उन्हां रातां दा सदका जिहड़ियां नबी करीम अलैहि सलातो सलाम ने गारे सौर ते गारे हिरा च गुजारियां, अल्लाह मेरी और आप अहबाब दी अज दी रात कबूल फरमा के साडे सारे वास्ते जरिया निजात बनाए। मुंतजमीन महफिल भी तशरीफ फरमाने और कुरब जवार तो आप अहबाब ही जौक दर जौक, जौक दर जौक, मौज दर मौज महफिल मुबारक का हुसन बनने वास्ते तशरीफ लेके आए जनाबे मुहम्मद मुजम्मिल विर्क साहेब साहूवाला तो अपना काफिला लेके तशरीफ ले आए। मलिक मुहम्मद आरिफ साहेब जनाबे मलिक मुहम्मद वसीम साहेब पंजाब पुलिस तो, मुहम्मद नबीद साहेब हक नवाज साहेब जंग तो, भाई मुहम्मद आसिम साहेब और कुर्बो जवार दे दीकर तमाम इलाके तो आप अहबाब तशरीफ लेके आयो। नबी पाक दे जोड़े पाकां दी खैरात विच अल्लाह करीम सारे नू हर हर कदम ते हर सांस दे बदले नेकियां अता फरमाए। नकीबे मिल्लत इस्लामिया मेरे बरादर मुकर्रम, मेरे इंतहाई मौजूज़ व मुहतरम इज्जत माब नुकबाए पाकिस्तान के अमीर जनाबे अलहाज मुहम्मद इफ्तिखार अहमद रिजवी साहेब, यकीनन आपने सर शाम तो हूं तक आप अहबाब नो अपने हसीन अल्फाज और अपनी नकाबत दिल पजीर नाल महजूज फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे लहन और नुतक दा सदका अल्लाह इन्हां दे लहन और नुतक विच मजीद बरकत नसीब फरमाए। खूबसूरत इहतमाम, खूबसूरत ज़ौक लेके आप तशरीफ फरमाओ। गाँव भी सज गया, गलियां भी सज गई, वेड़ियां ते बनेरियां नूं सजा दिता गया कि हजूर दे परौने आने ने, असां गाँव वाले इस्तकबाल करना है। किसी बाबे ने आख्या सी कि पानी भरन मटियारियां ते रंगा रंग घड़े, भरिया उसदा जानी है जिसदा तोड़ चढ़े। तो अज पिंड वाले तुहाडा तोड़ चढ़ गया भाई, अल्लाह करीम कबूल फरमाए सारिआं दीआं हाजरियां, सारिआं दीआं मेहनतां और मुहब्बतां नूं। रिजवी साहब ने मेरे मुतलक जो भी फरमाया उन्हां दा हुस्ने ज़न है, अल्लाह इन्हों इस हुसने जान का बेहतरीन अजर अता फरमाए। मैनू रोज़ाना मना के हिसाब न लोग गुलाब दियाँ पत्तियां नछावर कर दें दिन कुल्ले रोज़ाना, और अज तो यकीन करो मैं घर बैठा तो बाजी थोड़ी मेरी मिसेज बेगम कह लगी कि हाफिज़ जी कुल्ले रखन जोगी जगह कोई नहीं तो अलग का कमरा बना लो, तो इतने कुल्ले ने तो मैं कह रहा सा भाई चलो किसी को गिफ्ट कर देने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक सारा कुछ जदों भी मैं देखना, मैं इस जुमे वाले दिन बच्चों जो क्लास लैक्चर देना उस भी मैं कह रहा सा कि बेटा ये साडा इम्तिहान होता है। असल शैतान कद कद सानू आजमांदा है। मैं ऐसे ऐसे मंजर अपनी 23 साल दौरे खिताबत देखे ने कि लोगों ने इस कदर अकीदत का इजहार किया है कि मिंबर से बैठ के बयान करने के काबिल नहीं, को इस हद तक चले जाते हैं। उस वेले मैं अपने लबा दे अंदर ला हौला वला कुव्वत पढ़ना थे, अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ना कि शैतान असल च सानू आजमा रहे कि देखना ये दिल च तकबर कोई गुरूर तो नहीं आ जाता। उस वेले अल्लाह की बारगाह च अर्ज़ कर दी कि या अल्लाह तू ही महफूज फरमा, तो मेरा ध्यान दूसरा इस तरफ जाता है कि किसी ने आख्या से ना कि दीदार के काबिल ये कहाँ मेरी नज़र है, ये उनकी इनायत है कि रुख उनका इधर है। मैनू को पूछे तेरी औकात की है, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि खस खस जिन्ना कदर ना मेरा तो मेरे साहेब नू वड़ियाईयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइया। हाँ बस एक करीमा की मेहरबानी है कि उन्होंने तवज्जो इधर है। ये मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा करम, मेरे करीमा की मेहरबानी। ग्रामी कदर हजरात भाई मुहम्मद ताहिर साहेब तैयो प्रोडक्शन वाले, उन्होंने भी माशाल्लाह आज दी महफिल वास्ते बड़ी काविश की थी, फोन ते राबते भी फरमाए और मुहब्बतों का इजहार किया। अल्लाह करीम इन्हों कबूल फरमाए, आना जाना कबूल तो मुस्तजाब फरमाए। हुण मेरे कान च आख्या गया कि मौजू है अजमत वालदैन और आहिर आखिर हजरत दाही अकलबी वाला वाकया,
तो मैं चूंकि आयत मुबारक किसी होर जिमाने अपनी मर्जी ना पढ़ बैठा, मगर मैं उस ही आयत न इसे ही मौजूद के मुताबिक इंशाल्लाह बयान कर देवांगा। माशाल्लाह मुहम्मद हसन चीमा साहब भी हिंद सियालकोट के, माशाल्लाह शुएब साहब भी, मगर इस बार माशाल्लाह बच्चा मेरे नाल उम्र से भी सी, अज मैंने इन्हें फोन किया जी मेरी अजीजदारी है फैसलाबाद तो तुम भी आ रहे हो तो मैं इंशाल्लाह हाजिर होवांगा। बच्चा भी हाजिर होया, अल्लाह करीम इन्हों का भी उन्होंने कबूल फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारक का जुज़ पढ़िया, रब तआला ने इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, फरमाया तहकीक तुहाडे वास्ते रसूलुल्लाह की जिंदगी विच बेहतरीन नमूना है। फरमाया रसूलुल्लाह दे विच तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है। एक जिंदगी ते अल्लाह ने फरमाया वो तुहाडे सारे वास्ते नमूना है। किसी आलिम की जिंदगी आलिम वास्ते नमूना है, किसी सहाफी की जिंदगी सहाफी वास्ते नमूना है, चौधरी की जिंदगी चौधरी वास्ते नमूना है, किसी कमी की जिंदगी कमी वास्ते नमूना है, बादशाह की जिंदगी बादशाह वास्ते नमूना है, फकीर की जिंदगी फकीर वास्ते नमूना है, किसी उस्ताद की जिंदगी उस्ताद वास्ते नमूना है, मुकर्रर की जिंदगी मुकर्रर वास्ते नमूना, नकीब की जिंदगी किसी नकीब वास्ते नमूना, मगर वो एक जिंदगी ते अल्लाह फरमा सारे वास्ते नमूना है। या अल्लाह एक जिंदगी सारे वास्ते नमूना किवे हो सकती है? फरमाया जे तू बादशाह है ओदी जिंदगी दा मुताला कर जेड़ा खत्म नबूवत ते मिंबर ते बैठ के ते खुदा दे सारे जहाना ते बादशाही पिया करदा है। जे तू किसी दा बाप है फिर उन्हें चार बेटियां ते उन्हें तीन बेटियां दे बाबा जान दी जिंदगी दा मुताला कर। अगर तू किसी का बेटा है तो हजरत आमिना ते हजरत अब्दुल्ला ते हजरत हलीमा ते उस लाल दी जिंदगी का मुताला कर। अगर तू किसी का शौहर है उन्हें ग्यारह बीबियां दे शौहरे नामदार दी जिंदगी का मुताला कर। अगर तू अमीर है उस अमीर दी जिंदगी का मुताला कर जिन्हें फरमाया कि मैं हुक्म देवा ते ये सारे पहाड़ सोना बन के मुहम्मद दे नाल नाल तुरिया कर। और अगर तू गरीब है फिर भी उस रसूल दी जिंदगी का मुताला कर जिस रसूल के घर तीन दिन लगातार चूल्हा नहीं जलिया, किन्हें सारी जिंदगी एक मरतबा भी पेट भर के खाना नहीं खादा। और अगर तू बादशाह है फिर भी मुहम्मद की जिंदगी का मुताला कर, ते जे तू फकीर है फिर भी उस रसूल की जिंदगी का मुताला कर जिस रसूल ने फरमाया लोगो कयामत नु सब तो पहले मैं अपनी कबर चो बाहर तशरीफ लेके आवांगा। वला फखरा मैनू एदे ते नाज नहीं, फरमाया लबाइल हमद हमद दा झंडा मेरे हाथ में होवेगा, वला फखरा एदे ते भी मैनू नाज नहीं, फरमाया कयामत नु सारे नबी उन्हां दी उम्मत मेरे झंडे ते नीचे होवणगियां, फरमाया वला फखरा मैनू एदे ते भी नाज नहीं, फरमाया लोगो कयामत नु जन्नत दा ताला मैं खोलांगा, वला फखरा मैनू एदे ते भी नाज नहीं। पुछया सोनिया फिर नाज का दे ते, फरमाया अल फकरो फखरी, फरमाया मुहम्मद नो अपनी फकीरी उते नाज है, मैनू अपनी फकीरी उते ना दे। ताइयों ते माशा सिद्दीका फरमा दिया ने, आप फरमा दिया कि मैं देखा कि नबी पाक मेरे हुजरे च बह के ते अपनी नलैन अपने जोड़े अपनी जुत्ती मुबारक नूं टांके पे लगा दे। ते माशा सिद्दीका फरमा दिया मैं चरखा पे कत्ता ते चरखा कत दिया, फरमा दिया मेरिया अखा चथरू जारी हो गए। सैयद आलम ने वेख के फरमाया आशा रोनी क्यों है, अर्ज की सोने तेरा सैर करने जी करे ते खुदा दे अरशां ते सने जोड़िया फिर के आ जावे, ते सोने अजमत इनिया ते हा की पे कर दियो, ये जोड़े मुबारक ते जुत्ती नूं टांके आप क्यों लगा दियो। फरमाया आशा जे कल नूं को बादशाह कवे कि मैं मिंबर ते बह के बादशाही करने वाले रसूल की सुन्नत पे अदा करना, ते ओ सड़क दे किनारे बह के जुतियां गंढन वाला मोची भी उठ के आखे मैं भी मुहम्मद की सुन्नत ही पे अदा करना वा। वो एक रसूल ते ओदी जिंदगी सारे वास्ते नमूना है। अज मैं उस रसूले करीम अलैहि सलाम दी जिंदगी दा एक पहलू अर्ज करना है। अजमत वालदैन मौजू है, शुरू करांगा नबी पाक दे मापिया तो अखीर करांगा इंशाल्लाह इस दौर दे मापिया ते आके। एक बारी सुभान अल्लाह बोलो ते चलिए मदीने। ये चक फैसलाबाद है ते फिर मैनू दसो मैं फैसलाबाद बैठा, मैनू महसूस हुए मैं फैसलाबाद बैठा। मैं जदों भी फैसलाबाद आया सुभान अल्लाह वालों कदे मायूस नहीं गया, इन्नी सुभान अल्लाह फरमाओ कि मदीने आवाज चली जावे। अब वेखो भला किन्ने किन्ने नहीं हाथ खड़ा किया, नाल दा बेली स्टेज वाले भी सारे भाई नाल दा भी हाथ खड़ा करो, इन्ना उच्चा सुभान अल्लाह बोलो गला खराब हो जाए, लोग सुबह पूछन तेरे गले नूं की होया, आख्या जे नबी पाक दियां शाना बयान पिया आउंदियां मैं सुभान अल्लाह कहंदा रहा।
मैं दुआ करना रिजवी साहब से सारे उलमा आमीन फरमान मेरी दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह बोले हज दियां फ्लाइटां जो शुरू हो गई हैं फैसलाबाद तो पहली फ्लाइट हाजियां दी चली गई है ते या अल्लाह जेड़ा सारे तो उच्चा बोले इसे साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अगले रमजान शरीफ के सारे रोजे अपनी अम्मी ते अबू ना मस्जिद नबी शरीफ च इफ्तार करके आवे हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सौवे ते खाब च कमली वाला आप ही आ जावे तेरा की जाता जेड़ा इस तू उच्चा बोले जागद माफले च सोने का दीदार करा दे माशाला भाई माशाला हूँ काम इतने रखे जे फिर हौला बोले उच्चा बोलो सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुनिए कुरान 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 अल्लाह ने इरशाद फरमाया फकद लबिस्तु फीकुम उमरन मिन कबलिहि अल्लाह ने जद यार दी जिंदगी दा जिक्र फरमाया 1,24,000 नबी आए अल्लाह ने किसे नबी दी जिंदगी दी कसम नहीं उठाई जदों मां दांग देने वाले दी वारी आई अल्लाह ने रिजा फरमाया लाम रुका इल्ला हुम लफी साकुरा दिहियों या महून अल्लाह ने फरमाया कमली वाले मैनू तेरी जिंदगी दी कसम है कमली वाले मैनू तेरी हयाती दी कसम है सोने मैनू तेरी जवानी दी कसम है इसे बाद पीर मेरा अली शाह गोलड़े दे ताजदार ने एदा रंग इंज पेश फरमाया आप फरमाते ने कोई मिसल न जानी दी कोई मिसल न जानी दी आप कसम खावे उदी चढ़दी जवानी दी एदा भी आप कसम खावे उदी चढ़दी जवानी दी रब आप अल्लाह करे नौजवाना दी जवानी ते हुजूर दी जवानी दा रंग चढ़ जाए रब आप कसम खावे ओदी चढ़दी जवानी दी लोग कहंदे ने जवानी मस्तानी होंदी है मैं कहना होंदी है पर ओ किड्डा खुशबख्त हो जिहदी जवानी मुहम्मद दी मस्तानी हो जिदी जवानी मुस्तफा दी दीवानी होवे रब आप कसम खावे उदी चढ़दी जवानी दी मेरी मिल्लत दे नौजवानों सरकार दी जिंदगी दा हर पहलू मेरे ते तुहाडे वास्ते नमूना है कौन है दिवाली दी जिंदगी दा हर अमल नमूना मेरे तुहाडे वास्ते पढ़ा कुरान चलो नहीं बोले फिर कदे पढ़ लवांगे अजे ते मैं शुरू होया मेरा ते पैंडा ही तुहाडे नाल बड़े लंबा मैं ते तुहानू तसव्वुर और तखय्युल च मदीने लैके जाना है स्टेज वाले महबूब सारिआं दा सांझा ये सारे बोलो यार सुभान अल्लाह ए रिजवी साहब मेरा तुहाडा ड्राइवर पता है ना रात नूं इह क्या सानू कहिंदे ने सौणा है ते पिछली सीट ते चले जाओ मैं अपने ड्राइवर ने एक दिन पूछा भाई तू मैंने पिछली सीट से क्यों कहना सो जाओ जाके वो कहिंदा फ्रंट की सवारी सो जाए ना तो ड्राइवर नूं नींद आ जांदी है ते ए बैठे ने फ्रंट ते तुसी जरा जाके बैठे जे ताकि ड्राइवर भी जागदा रहे मैं तो गड्डी मदीने लैके जानी है आ जरा हाथ नहीं चुकदा नाल दा बेली सहारा करो जगा के बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिबून अल्लाह फत्तबिउनी يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم नौजवानों अल्लाह ने फरमाया माजाद ना वाले फरमा दे अल्लाह फरमा दे ना मैं कमी वेखदा जे ना मैं चौधरी वेखदा जे ना मैं कसर ते महला ते वेखदा जे ना मैं अमीर ते गरीब वेखदा जे ना मैं गोरा चिट्टा पग्गा काला वेखदा जे अल्लाह जे गोरे रंग वाले वेखदा अबू ला वर्गा गोरा ही कोई नहीं अल्लाह ने रिशा फरमाया तपत यदा अभी लहबी ओ आत
लगा। परवरदिगार ने फरमाया अबू लहबा तेरे हाथ टूट जन बर्बाद हो जाए। अर्ज की दिया लगो रही बड़ाई, फरमाया मैनू ए गोरे रंग नाल मान नहीं, फरमाया इन अपने रंग ते मान है, मैनू यार दा रंग सोना लग जाए। अर्ज की दिया अल्लाह फिर सोना कौन है, फरमाया मक्के दे इक मुअल्ले जाती मारे, रंग दा भी गोरा है, जात दा भी चौधरी है, 8 किलो सोने दा मालिक है, फरमाया सानू सोना ही नहीं लग जाओ। फरमाया मक्के दे दूसरे मुअल्ले जाती मारे, रंग दा भी काला है, जात दा भी गुलाम है, टुटी हुई जुत्ती पाने वाला ओदा लिबास तार तार है, हालत दिल फिगार है, चेहरे ते गर्दो गबार है, आवाज आई एदे नाल ही प्यार है, क्योंकि एदा नाम बिला। काला सोना लगदा गोरे दी जगह ओ काला, ते चौधरी दी जगह ओ गुलाम सोना लगदा, क्यों ने रंग यार दा चढ़ा लिया, रंग यार दा चढ़ा लिया। पीरे बाहू ने फरमाया दिल काले नालो मुंह काला चंगा, ओ चौधरी ओ दिल काले नालो मुंह काला चंगा, जे को इस नु जाने हो मुंह काला दिल अच्छा होवे तां दिल यार पछाने हो। ए दिल यार दे पिछे होवे मता यार किते सियाने हो, सयालिम छोड़ मसीता नठे बाहू जदो लगे दिल ठिकाने हो। पर मेरा दिल करदा मैं ना तरा दूसरे रंग च पीरे बाहू दे दरबार ते तुहानू लै चला, थोड़ा जा हौला बोलो, पर आवाज नहीं जानी चाहिए, ते हाथ ना चुकया जे मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। और कोई माफ लौंदी तो मैं पूछना सी लंगर है कि नहीं, तो ये मैं वो फ्लैक्स उत्ते वेख बैठा कि लंगर का वसी इंतजाम है, तो उत्ते लिखा जोर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक लंगर चलेगा, तो यदा मतलब है खा के बैठे हो, थोड़ा गर्म भी खा के आया करो, है बंदा सुबह अल्लाह के जोगा हो जाए। तो सियाने कहते ने जिदा खाइए उदा जी, अम्मी ने दस के भेजा तो पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। चोर साहब आरिफां दे सुल्तान ने इहदा बड़ा मिठा जिहा बटी साहब रंग पेश कीता, लै चलना दब्बा पीरे बाहू दे दरबार उते, बोलो बोलो बोले जंग तो है ना भाई, अकनवाजों ने जाके दसना पीरे बाहू ने कि बोले कोई नहीं खेवे वाले तुहाडे ना होते। आरिफां दे सुल्तान ने फरमाया ना रब अरशे मौलाते आए ते ना रब खाने काबे हूँ, ना रब इलम किताबी लबे ते ना रब विच मेहराबे गंगा तीरथ अमूल न मिले मारे पैंडे बे हिसाबे ओ जददा मुर्शिद ए मिलिया बाहू मेरे छुट गए कुल अजाब, मेरे छुट गए कुल अजाब। पर कदों जद दा मुर्शिद मिलिया वा, जदों दा कमली वाला मिलिया। मैं कहना चाहना वो जेड़ा रस्ता खुदा तक जांदा मुहम्मद दी गली चो गुजर के जांदा, नहीं को खुदा तक पहुंच सकता जब तक उधर मुस्तफा ते ना आ जाए, वरना रब नूं ते यहूदी भी मन दे ईसाई भी मन दे जिहड़े दुनिया दे उत्ते आए वो अल्लाह नूं ते जरूर मन दे ने सिवाय दहरियां तों, सिवाय दहरियां तों अल्लाह नूं सारे ने मन्या, पर कुरब किन्हां नूं मिलिया वो जिहड़े मुस्तफा दे कदमां च बैठ गए। बस जिहड़ा जिन्ना मुहम्मद दे करीब हो गया वो उन्ना ही रब दे करीब हो गया, जिथे कमली वाला उथे ही मैं।
रब ते मोहम्मद है ही करीम। ग्रामी कदर हजरात, आइए मैं हुन उस मौजू वल ले चला जिस मौजू दा मेनू हुक्म है, अज़मत वालदैन। और मैं अज दी इंतजामिया नु मुबारकबाद भी पेश करांगा कि इन्हां दी मेहरबानी भी शुक्रिया भी कि इन्हां मेनू ये मौजू दित्ता। अज दी मेरी तकरीर उन्हां नौजवानां दे नाम है जिहड़े मां बाप दा अदब करदे ने, ते समझाना मैं उन्हां नु जिहड़े मापिआं तों दूर ने। एक दिन सिर्फ मदर डे नहीं मनाना, मां दे सारे ही दिन ने। आज मैं तुहानू दसन लगा, याद रखियो मेरी मिल्लत दे नौजवानों, मैं अज उन्हां नौजवानां नाल भी मुखातब आ जिहड़ियां माइयां वडेरियां मेरे को लाके कहदियां आसी साहब मैनूं तवीज़ लिख दिओ, मेरा पुत्र मैनूं बुलांदा नहीं। उस वेले मेरा कलेजा फटदा जो माइया कहंदियां आसी साहब मैनूं तवीज़ लिख दे, मेरा पुत्र मैनूं बुलांदा नहीं। ईद दे दिन गुजरे, सारा जमाना नवे कपड़े पाके ते खुशियां पे मनांदा सी, ते जिन्हां दियां मावां टुर गईयां ओ ईद दी नमाज पढ़ के कब्रस्तान जाके ते मावां दियां कब्रां ते बैठ के पे रोंदे सन। मां ते बाप दी कदर पुछनी आ ते ओ किसे चिट्टी दाड़ी वाले बाबे कोल पुछ, जिहदी अम्मी ते अब्बू टुर गए, रात नूं सराहणे च सिर दे के रोंदे ने, कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी, कोई उंज प्यार करे जिवें अब्बू गोदी च लटा के प्यार करदे सी। मेरे मिलन दे नौजवानों, आओ मैं तुहानूं कमली वाले कोल पुछ के देवां मां ते बाप दी शान की है। 6 साल दी मेरे नबी दी उम्र, ते इक दिन हजूर बाहरों घर आए ते मां नजरी ना आवे, सैयद आलम कदे एक कमरे च कदे दूसरे कदे तीसरे कमरे च गए कि मां किथे गई, मां नजरी ना आवे। रो के आसमान वल वेख्या ते अर्ज कीती मेरे अबू ते दुनिया तो टुर गए ते मेरी अम्मी किथे। अल्लाह ने यार दे दिले अनवर च इल्हाम फरमाया कि सोने मां कमरे च बैठ के भी रोंदी है। हजूर दौड़ के कमरे च गए ते वेख्या अंधेरे विच मां नुकरे बह के गोड्यां ते सिर रख के फिर रोवे। अज 6 साल की उम्र मेरे नबी दी ते मां दे गले जाके बाहां पा के ना अपने लब मां दे मत्थे ते रखे ते मत्था चुम के मां दा कहा अम्मी मैं ते सारे जग दियां रोंदियां मावां चुप करान आया, ते तू मेरी मां होके क्यों रो रही, अम्मी क्यों रो रही। सैयद आमिना ने पकड़ के सीने लाया ते आख्या सोने मैनू कोई गम नहीं, मैनू कोई तकलीफ ते दुख नहीं, अम्मी रोए क्यों, अम्मी क्यों रो रहे हो। मेरे दादा जी ने मेरे चाचा जी ने कुछ आख्या, मैं कुछ आख्या, अम्मी क्यों क्यों रो रहे हो। नौजवानों सैयद आमिना ने पकड़ के सीने दे नाल लगाया ते लबा दे लब रख के फरमान लगिया कमली वाले मैनू कोई गम नहीं, अम्मी रोंदे क्यों। सैयद आमिना फरमान लगिया मैं सुने अज मैनू अब्दुल्ला दी याद आई, अज तेरे बाप अब्दुल्ला दी याद आई टुर गए ने, ए दिलदार दिला दे चुके मुहारा उजड़ी बस्ती नदरी आवे, एक कंड दिती जदी आरा। सैयद आमिना फरमान लगिया सुने अज मेरा दिल करदा मैं अब्दुल्ला दी कबर ते तेनू मदीने लै जावा, कबर ते खड़िया कर गया खावे अब्दुल्ला मैनू कलिया छड़ के आ गया सै, वेख अल्लाह ने मैनू कलिया नहीं रहन दिता, मैं तेरे गुलशन च किड़ा सोना फुल मुहम्मद लेके आई हूं। नौजवानो नबी करीम अपनी माओ की गोदी चो निकले आके अपने दादा जी की गोदी च बैठ गए, अर्ज की दादा जी मैं कद कुछ मंगिया ते नहीं, दादे ने सीने लगा के आख्या सुने कदे मंग के वेख ते सही, मैं सारी कहना तेरी जुल्फ दे कुंड च उबार देवा। नबी करीम ने दादा जी दे गले च बावा पा लई आख्या दादा जी मेरी अम्मी रोंदी है, इजाजत दवे अम्मी नाल नान क्यों होया वा। नबी करीम दा दादा जी ने उसे वास्ते काफले दा इंतजाम किया, अज नबी करीम पहली बार अपने वालिद गिरामी दी कबर
ते जा रहे अपने नानके मदीना तैयबा जा रहे उम्मे अमन हबशन औरत जिदा नाम बरकत बीबी है आज जिन दुनिया उम्मे अमन आखदी है दादा जी ने उम्मे अमन खिदमत लई नाल भेजिया नबी करीम अपनी उम्मीद नाल मदीना तैयबा आया अपने वालिद गिलामी दी खबर ते हाजरी दी डेढ़ महीना नबी करीम अपनी मां दे नाल बचपन च मदीना तैयबा आ रहे नौजवानों डेढ़ महीने दे बाद जदों काफिला मक्के वल जा रहा रात एक पहाड़ी आई जिदा नाम मुकामे अबवा है उस पहाड़ी ते आके सैयद आमिना नूं बुखार हो गया इस शुद्दत नाल बुखार आया खशी दे दौरे आ रहे सैयद आमिना नबी करीम दी गोदी च बेहोश ने सरकार दे अथरू मां दे चेहरे ते डिग देने नाले जुल्फां च हथ फेर देने नाले नबी करीम रो के कहंदे ने अम्मा अखा खोल तेरा मुहम्मद प्यार आई नौजवान मेरे नबी इस दर्द दे नाल रहे अचानक सैयद आमिना दी अख खुल गई इमाम जलालुद्दीन सयुती फरमा देने सैयद आमिना दा आखरी वेला आ गया उधर मौत दे फरिश्ते भी आ गए जांदी वारी नबी दी मां ने सीने दे नाल लाए मैं सुने आज जांदी वारी मां दे सीने लग जाओ तेनू हलीमा भी लोरियां दित्तियां ने तेनू शीमा भी लोरियां दित्तियां ने आज जांदी वारी मां कोलो लोरी लै ले नबी करीम मां दी गोदी विच लेट गए आखरी वेला आया आखरी हिचकियां आईयां सैयद आमिना सीने ला के रोई जा रही रिजवी साहब कदे मत्था चुमदियां ने कदे लब चुमदियां ने कदे रुखसार चुमदियां ने आखरी हिचकी आई नबी दी मां ने सुनन चुके उम्मे अमन दी गोद च रखे फरमान लगियां ने उम्मे अमन मैं टुर चली एदा बाप ही कोई नहीं अज मां भी टुर चली जिन्हां दियां मावां बचपन च छड़ जांदियां ने औलादा नुकरा च बह के रोंदियां ओ पुत्र दीवारा ना लग के रोंदे ने ओ मेरा मन मैं टुर चली जेड़ा मेरा मोहम्मद दीवारा ना लग के रोया मेरी कबर जो रूह तड़प जाएगी ओ मेरा मन ने फड़के सीने दे नाल लाया सैयद आया मीना आया समान वल वेखिया अरबी दे शेर पढ़दियां ने अरबी दे अशारे च फरमांदियां ने लोको हर नवी चीज ने पुराने आयो जाना है जेड़ा बन गया ने टूट जाना है जेड़ा आया उन्हें जाना ही पैना है नया भी ना भी टूर चली आ पर मैं जूंदी रवांगी उम्मी अमन फरमान लगी आया मेना तू कि मैं मर के जिंदा हूं रवेगी कमली वाले ने पढ़ के मां ने सीने लाया फरमा दिया बोली तू तो हरा मैं मोहम्मद पाक नु जन्म दे के चली आ जदों तक एदा जिक्र मिंबरा ते जारी रहेगा मैं आमिना जूंदी रवा फरमा दिया जब तक एदा जिक्र होंदा रहेगा फरमा दिया मैं आमिना जिंदा ही रहूंगी आखिरी हिचकी ले सैयद आमिना ने कमली वाला चुको मुहम्मद की गोदी च रखा ते सैयद आमिना दी रूह परवाज कर गई मरना सारे ने दुआ करया करो मां ना मरे ओ किसी दी मां ना मरे नहीं ते पूछ किसी उस कोल कलिया बिठा के जिदी मां मर गई है रिजवी साहब नु पता मकसद गल सुना ना मेरे को एक वडेरे जब बाबा जी बैठे थे मैं किदन पूछया बाबा जी जिंदगी किवें दी गुजरी जे कहन लगे आसी साहब मैं गरीब मां बाप दा पुत्र सा मेरी दुखां च गुजर गई पर शुक्र है रब दा पुत्र जवान होए ने ते कोई यूरोप चला गया ते अमेरिका टुर गया है ते कोठियां भी रब ने दित्तियां ते रब ने कारां भी दे दित्तियां है ते दुख सारे भुल गए रब दा बड़ा फजल हो गया है मैं क्या बाबा जी को दिल दी हसरत होवे कहन लगे नहीं नहीं आसी साहब कोई हसरत नहीं रब दा बड़ा करम है मैं देखिया ते बाबे दी अखे च मोटे मोटे अथरू पट्टी साहब मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों कह लगे आसी साहब होर तो कोई हसरत नहीं पर कद कद कोठी वेख के दिल कर दे कद हूं मां होवे ना
कदे हुण मां होवे ना। कहन लगे कोठी च जाना सारे नजर आउंदे ने, मां नजर नहीं आउंदी, मां नहीं नजर आउंदी। किसी उस कोल पुछ जिहदी मां टुर गई, रात नूं सराहणे च सिर दे के रोंदे ने ते मां मां कह के रोंदे ने। दुआ करे करो मां ना मरे, किसी की मां ना मरे। आरबे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, मावां वाले मावां वाले ए मावां दे कुल सा फरियाद लै जांदे आए पर मोइया मावां वाले रो रो आपे चुप कर जांदे भाई मोइया मावां वाले रो रो आपे चुप कर जांदे। नौजवानों नबी करीम ने अपनी माओं की कबर बनाई, छोटे छोटे पत्थर उठा के नबी करीम कबर बना रहे। ओ मैं अमन फरमादियां ने मैं चुके सुने ने ऊंटनी ते बिठाया हो, फरमादियां मेरा कलेजा कंब गया हो जदू सुने ऊंटनी ते बह के मुड़ मुड़ माँ की कबर वल वेख दई। फरमादियां मैं सोने नु मके ले आई, सारी जिंदगी मैं अमन मेरे नबी नु पालिया। नौजवानों मेरे नबी ने माँ के बगैर जिंदगी गुजारी, पर माँ दियां यादां सारी जिंदगी मेरे नबी ने आउंदियां रहियां। एक दिन जाओ ने पत्थर मारिया मेरे नबी दे सिर से लगे, सरकार दा खून निकले, नबी करीम रोंदिया काबे दे अंदर आ गए। फरमांदे ने इन्नमा अस्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, अर्द कीती काबे वाले दुखड़े किन्नू सुनावा किन्नू सुनाना। नौजवान शाम तक मेरे नबी काबे च रोंदे रहे, शाम दा वेला चाचा मीर हमदा शिकार करके करे आए, नौकरानी खाना रख दी रोन लगे पई। अमीरे हमजा फरमांदे रोनी क्यों है, कह लगी काबे कोलों गुजरी सा मुहम्मद कलिया नुकरे बह के प्यार रोंदा सी। चाचे ने पूछा क्यों रोंदा है, कह लगी सुनया अबू जहल मारे है, नले नौकरानी टुरदी टुरदी कहन लगी अज कदे ओंदा भी बाप जिंदा होंदा, लुकी उन्हों यतीम समझ के ना मार दे, अज ओदी मां जिंदा होंदी इंज नुकरां च कलिया बह के चाचे का खून खोलिया। जाके अबू जान दे सिर च कमान मारी, कमली वाले ने फड़के आके सीने ला लिया। कहन लगे सुने चुप कर जा मैं तेरा बदला ले आया, रवि लिख दे मेरे नबी चाचे दे बादू छुड़ा दीते। फरमाया छड़ दे मेरा कोई चाचा नहीं अज मेरा कोई बाबा नहीं, अज कदे मेरा बाप जिंदा होता लोकी यतीम समझ के ना मार दे, अज कदे मेरी भी मां जिंदा आती इंज कलियों बह बह ना रोंदा। पर मैं की करा अज मेरा बाप भी कोई नहीं अज मेरी मां भी कोई नहीं, ते मोहियां मावां वाले रो रो आपे चुप कर जांदे। मोहियां मावां वाले रो रो आपे चुप कर जांदे। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीसे पाक शोबुल ईमान च लिखी, फरमाते ने इशा दी नमाज पढ़ाई एक दिन नबी करीम ने, सहाबा वरुखे अनवर कीता ते सहाबा वेख्या कि नबी पाक दी अखियां च अथरू पे गिरदे ने जिवें तस्बीह टुट जावे ते तस्बीह दे दाणे गिरदे ने। अर्ज कीती कमली वाले जे किसे दुख दिते ते सानू दस कमली वाले तेरीआं ज़ुल्फां दे कुंडलां तों पुत्तर वार देईए। मेरे आका फरमाया सहाबा मैनूं किसे कम ते दुख नहीं दिंदे। अर्ज कीती सोहणिया फिर रोंदे क्यों, फरमाया मैनू अम्मी याद आ रही है मां याद आ रही है। मेरे आका फरमाया साहब अज मेरे को पूछो मेरा की दिल करदा है। अर्ज कीती जी सोने अज मेरा जी करदा कि मैं इस मसले ते बह के इशा दी नमाज पढ़दा हुआ ते ओ हुजरे च मेरी मां आमिना बैठी होवे,
मेरी अम्मी की आवाज आवे वे मेरे पुत्र मुहम्मद मेरी गल सुन जा। फरमाया मुहम्मद जी करदा कदे अम्मी की आवाज आवे मैं रब की नमाज छड़ के मां की गल सुन के आ। खिबा वाले तो कुरबो जवार तो आमन वाले अज ते मां बुलावे ना पुत्र नु के मेरी गल सुन। ते पुत्र पता किवें बोलदे ने अज मां बुलावे ते पुत्र कहंदे ने अम्मा चुप कर तेनू नहीं पता। जालिमा जिहड़ी मां ने तेनू बोलना सिखाया अज उहनू पता ही नहीं। अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ना ते बाप पुछे ना कित्थों आए। अज दे पुत्र इंज घूरी पा के अबू वल वेखदे ने कि बाप बेचारा अगली रात पुछदा ही नहीं कित्थों आया। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। पर मेरी मिल्लत दे नौजवानों ओ जिन्हां ने मामा दियां बोलियां दी कदरां कीतियां ना मेरे नबी नूं पुछ मां दी बोली दी कदर की। हजूर ने फरमाया कदे मेरी मां बुलावे ना फरमाया मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आऊंगा। मैं हमेशा यह वाक्य सुना ना मेरे सियालकोट की तारीख देख बहुत बड़े खतीब गुजरे उन्होंने नाम से हजरत अलामा मौलाना मुहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। आप अपने खिताबात विच फरमांदे हुंदे सन कि जदों मैं जलसिया ते तकरीर करन जाना ते लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिखदे ने ते मेरे नाम दे नाल अलकाबात लिखदे ने खतीबे पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयाज अगुंकर्रर शेर लिसां आलिम नबील फाजिल जलील जामीउल उकूल वल मरहूम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मुहम्मद यूसुफ सियालकोटी दामत बरकातुह मुल्क कुदसिया। आप फरमांदे ने लोग मेरा इतना लंबा नाम लिखदे ने पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी। पर जो अद्धी रात वेले जलसा मुका के मैं घर जावां ते मेरे जवान पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी। ओ पढ़ियो लिखियो रात दे 12:30 हो गए ने ते 1:30-2 बजे तुसां घर जाना। घर जाके दरवाजा खटकायो वेख लियो अम्मी जागदी होवेगी। रिजवी साहब नूं तकरीबन 30 साल गुजर गए सड़कां ते मैनूं 23 साल गुजर गए सड़कां। असां अपनी जिंदगी च रातां नूं बड़े बड़े मंजर वेखने आ। जदों सारा जहान सुत्ता हुंदा ते असीं सड़कां ते हुंदे आ। चौर साहब सर्दियां दी रात सी मैं किसी सफर तो वापस आया मेरे गांव दा एक नौजवान मेरा क्लास फैलो सी उहदा नाम सी मंजूर। सर्दियां दी रात धुंद बड़ी ते मैं अपनी गड्डी खड़ी करके ते जदों घर वल टुरिया ते मेरे घर दी गली दे नाल उहनां दा नौजवान दा घर सी उहदी वडेरी जी मां रात 2:30 बजे गली च दरवाजे च बैठी। मैं रुक गया ते मैं परेशान होके पुछया मैं कहा चाचे जी मां जी रात नूं 2:30 बजे इत्थे गली च बैठे हो खैरियत है कोई परेशानी है मैनूं दसो मैं हाजिर हां। माई साहब बड़िया सादियां जी मेरे पिंड की माई तो कहन लगी हाफिज़ जी वो मंजूर ने अज फैक्ट्री ओवर टाइम लगाना सी अजे आया नहीं अजे आया नहीं ते मैनूं सुकून नहीं सी पिया मिलदा नींद नहीं आउंदी ते मैं दरवाजे च बैठी हां अजे आया नहीं। लोग बिस्तरिया च आराम पे करदे सर्दी दी यख रात ते मां नूं पुत्तर बगैर रजाई च भी सुकून नहीं पिया मिलदा कंबल च सुकून नहीं मिलदा ओ बाहर गली च दरवाजे च बैठी है क्योंकि उहदा मंजूर नहीं आया। मैं तुहानूं अज अजीब एक गल सुनावां। मैं अपने बाबा जी हजूर ताजदार चूरा शरीफ दे कोल इक दिन बैठा ते आप फरमांदे ने कि पुत्तर मैं जदों पुराना घर सी ना जिहड़ा पीरां वाला चौक वसनपुर लाहौर ते आप फरमांदे ने कि मैं जदों रात नूं किसे प्रोग्राम तो वापस आना ते अम्मा जी हजूर ने ना मैं दरवाजा खड़ा जदों खोलना ना कमरे दा आप फरमांदे ने जब तक अम्मी जी हयात रहीआं मैं अपना बिस्तर मां जी दे कदमां वाले पासे बिछा के रख्या सारी जिंदगी। आप फरमांदे ने जदों मां के दरवाजा खोलना ते अम्मी जी दा पहला जुबान दे लफ्ज़ मुबारक होना शाह जी आ गए हो। आप फरमा दे कि दिन मैनूं ख्याल आया कि मैं रोजाना रात 2:30 बजे आना प्रोग्राम तो फारिग होके ते मां जी नूं अख खुल जाती है मेरे आमना ते मेरा ख्याल है कि असल च ना मैं जो दरवाजा गड्डी का बंद करना ते अम्मा जी दरवाजे की आवाज़ आँदी ते मां जी की अख खुल जाती। आप फरमाते ने अगले दिन मैं गड्डी का दरवाजा बंद ही नहीं किया बिल्कुल मैं आवाज़ नहीं निकाली तो मैं बिल्कुल खामोशी नाल आया ना अज मैं दरवाजा कमरे का खोलिया ते अम्मा जी फरमाते ने शाह जी आ गए हो।
आप फरमा दे फिर मैंने ख्याल आया नहीं अम्मी जी गड्डी दी दरवाजे दी वजह तो नहीं उठते असल मैं जो चल के आना तो मेरी चप्पल की आवाज जी है ना जुत्ती मरख दी उदे ना अम्मी की अख खुल जाती फरमा दे अगले दिन मैं गड्डी जुत्ती उतार के आ गया तो तबे पाँव आया तो मैं आके हल्के जो दरवाजा खोलिया तो अम्मी जी फरमा दे शाह जी आ गए हो आप फरमाते हैं फिर मैंने समझ आई कि नहीं असल मामला ये नहीं असल मामला है कि जब मैं दरवाज़ा खोलना ना तो दरवाजे के कब्जे चु ची की आवाज़ आती है उस आवाज़ न अम्मी की अख खुलती है फरमाते हैं अगले दिन मैं कब्जे को तेल लगा दिता कि आवाज़ ना आए मेरी माँ की अख ना खुले आप फरमाते हैं मैं जब दरवाज़ा खोलिया तो अम्मी जी फरमाते हैं शाह जी आ गए आप फरमाते हैं मैं कदम मुबारक से बोसा दे के बैठ गया तो मैं क्या अम्मी जी थानू कि पता लग जाता मैं आ गया ते उठ के मत्था चुम के फरमा दिया शाह जी मामा नूं आवाज़ां नहीं आउंदियां जदों पुत्तर आवो ते मामा दियां दिल दियां धड़कणां ही तेज़ हो जांदियां और केड़ी मिट्टी नाल रब ने मां दा दिल बनाया फरमा दिया पुत्तर आवां ना ते मामा दे दिल दियां धड़कणां तेज़ हो जांदियां ने मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमांदे के मैं जे दा के दरवाजे ते अद्धी रात वेले हाथ रखना मेरे पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी ते मेरी मां दी आवाज आउंदी है वे जूस बा आ गए हैं तुसी समझे ने बाहर लोग हजरत साहब कहंदे ने हजूर कहंदे ने अलामा साहब कहंदे ने लोग हाथ चुमदे जुतियां नु हाथ लगांदे लोग हाथ जोड़दे प्यार करदे ते घर चो जड़ी अनपढ़ पेंडू ते सादी जी मां है ना उन्नू तलफुज़ ना यूसुफ कहना भी नहीं आउंदा उन्नू यूसुफा कहना भी नहीं आउंदा बस प्यार ना कहंदी है वे जूसबा दे आ गए फरमांदे सन अद्धी रात वेले खबर केड़े प्यार ना जूसबा कहंदी है कलेजे ठंड पा देंदी है फिर रात नूं उठ उठ रोया करेगा कोई उंज बुलावे जिवें अम्मी बुलांदी सी कोई उंज प्यार करे जिवें अब्बू करदे सन पर मां ते बाप जे कोई होवे ते इन्हां वर्गा प्यार करे ते बुलावे इन्हां दी बोली दी कदर करिया करो इन्हां सामने उच्चा ना बोलिया जे इन्हां नूं पिछा ते कंड ना टुरिया जे अब्बू जी खड़े होवां ते अब्बू दे सामने बैठे आ जे ना किधरे तेरे बाप दी बेअदबी ना हो जावे आरबे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने बाप मरे सिर नंगा हो मरन कंड खाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली वापडा दे चेयरमैन तो लेके भाई जाहिद साहब जाहिद नाम ना जी जाहिद साहब तक जितने पढ़े लिखे स्टेज से तशरीफ फरमाओ तो तुसी भी सारे इस बात दे गवाह रहे जे कि आसी साहब ने मिंबर रसूल ते बैठ के आख्या सी और मैं अपने दौरे खिताबत दा एक दावा करन लगा मैं कदे कीते नहीं मगर मैं दावा कर रहा और मिंबर रसूल ते बैठ के कर रहा कि मैं ना चीज दे मुताले दे मुताबिक नबुवत और सहाबियत तो बाद नबुवत और सहाबियत तो बाद अगर को किसी नु मर्तबा ते मुकाम मिले आए ओ मां दी दुआ नाल मिले आए और मैं अपने दावे ते दलील रखदा मैं कहना चाहना कि मां दी दुआ नाल बंदा नबी नहीं बन सकता मां दी दुआ नाल बंदा सहाबी नहीं बन सकता इस तो बाद जितने मर्तबे ते मुकाम ने उन्हां विच जब तक मां दी दुआ शामिल ना होवे वो मर्तबा मिलता ही नहीं भावें ताबईन दा सरदार सैयद ताबईन हजरत ख्वाजा वैसे करनी होवे गल सुना देवां तुसीं बोलदे नहीं सुभान अल्लाह मैं किवें सुना देवां एक बारी सुभान अल्लाह कहिए तो जन्नत एक दरख्त लगता है अज इतनी सुभान अल्लाह बोल के घर जाओ पता लगे कि मैं तो जन्नत पूरा बाग लगा के आया हाँ डीएचए विच बैरिया टाउन विच 10 मरले का प्लाट निकल आवे तो रात नींद नहीं आती तो जिदा जन्नत बाग लग जाए उच्चा बोलो मोतियारी सरकार सुभान अल्लाह बोलना हर बंदे दे वस दा रोग नहीं आता
सियाने लोग फरमाते ने कि बड़े लोगों के कद बड़े नहीं होंगे, बड़े लोगों के दिल बड़े होंगे। दिल दरिया समुद्रों डूंगे